हेलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट से जिसकी वजह से एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उनका नाम है प्रवेश अग्रवाल। उन्हें जब बेंगलोर से बंदीपुर जाना था तब उसके लिए उन्होंने कार रेंट की। जाते जाते ड्राइवर ने बीच रास्ते में कार रोक दी और बोलने लगा, रास्ता बहुत खराब है, पैसे डेढ़ गुना ज्यादा लगेंगे। और इसी बात पर ड्राइवर और मिस्टर अग्रवाल की बहस हो गई। फिर भविष्य अग्रवाल ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ ही बदल दी। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, इस पर आप जरूर सोचना और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो विद दिस वी बिगिन द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर शो सक्सेसफुल यंग। Agarwal was a computer science graduate from IIT Mumbai. He has also worked for the Microsoft research team for 2 years after his graduation. लेकिन मिस्टर अग्रवाल को शुरू से 9-to-5 जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो ग्रेजुएशन के टाइम से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। फिर उसी के साथ दिसंबर 2010 में उन्होंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ दी एंड ही स्टार्टेड अ साइट नेम olatrips.com। olatrips यूज्ड टू ऑफर हॉलीडे पैकेजेस एंड वीकेंड ट्रिप्स। olatrips का काम काफ़ी हद तक मैनुअल था और मिस्टर भावेश ही खुद संभालते थे। उसके बाद उनके लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तब तो जब उनकी और ड्राइवर की बहस हुई तो मिस्टर अग्रवाल ना माने और वो कार से उतर गए। उन्होंने देखा कि आसपास कोई और कैब भी नहीं थी, फिर उन्हें पूरा सफ़र चलकर जाना पड़ा। चलते चलते उन्होंने सोचा कि ऐसी कोई परेशानी कई और लोगों को भी होती होगी। इन दैट मोमेंट ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ कार रेंट विच टूडे इज नोन एज ओला कैब्स। देन आफ्टर भविष ऑनबोर्डेड हिज फ्रेंड अंकित भाटी एंड स्टार्ट olacabs.com। इन द बिगिनिंग लाइक अदर इंडियन पेरेंट्स, भविष पेरेंट्स ऑल्सो डिडंट लाइक द आइडिया ऑफ स्टार्टअप। But his parents became supportive when Ola got his first round of investment from the founder of Snapdeal, Kunal Pal, and also from Anupam Mittal. Now let's talk about Ola's business model. Ola's has one of the simplest business model. Ola acts as a platform for the customers and the cab drivers. मतलब कि customers Ola app के through cab book कर सकते हैं और total ride का 15% cost is a commission Ola लेता है। और ड्राइवर्स के लिए ओला के पास ड्राइवर स्पेसिफिक ऐप है जहां ड्राइवर्स अपने सुविधा के अनुसार लॉगिन और लॉग आउट कर सकते हैं। द फाउंडर्स भविष अग्रवाल एंड अंकित भाटी हैज टू फेस मेनी चैलेंजेस इन द बिगिनिंग बट दे स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। वेबसाइट के लिए मिस्टर भाटी को 48 आवर्स तक नॉनस्टॉप कोडिंग भी करना पड़ता था और कई बार मिस्टर अग्रवाल ने खुद कैब ड्राइव की थी। But when the investor invested 2 crores in them, they got the initial push. In 2010, Ola founders found a serious gap in Mumbai. They found the cabs used to be idle and sometimes cabs used to charge high irrespective of the distance they travel in order to compensate the time they were idle. So they found this as an opportunity and by 2011, they could make around 10 bookings per day. In the year 2012, they faced a challenge that was a nightmare to both the creators. They faced a problem of website blunder. At that time, Mr. Bharti was in Bangalore and Mr. Agarwal was in Mumbai, and Mr. Bharti was left with no option just to guide Mr. Agarwal on a phone call for the entire night. Ola जिस भी नए शहर में जाता वहाँ कोई न कोई नई परेशानी फेस करता था। Ola के लिए 2G network एक बहुत बड़ी परेशानी थी। The app required the use of 2G network and the team had to design the app in such a way that it can accommodate the network connectivity in rural areas also. And till today, the team is working to make app more and more lightweight. But with the hard work and elegance, they came out of the circumstances perfectly. After that, they decided to shift their workplace from Mumbai to Bangalore. Also in that same year, they decided to launch their mobile application. Today, Ola directly competes with Uber, which is the world's most well-financed startup. Also, Ola is in partnership with Foodpanda in order to compete with Uber Foods. So, in conclusion, we can say that Bhavish Agarwal and Ankit Bhatti have helped a lot of people by starting this project known as Ola Cabs. Today, Ola is also starting their services abroad to the countries like Australia, New Zealand, and Britain. So in this video, we came to know how the founders of Ola faced the challenges bravely, and today
Ola became one of the billion-dollar startup in India. So that's all for today's video. Hope you like it and make sure you subscribe to our channel Speaking Books. Thank you.